नमस्कार, मैं हूं विभव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए तकरीबन सभी देशों के बोर्डों ने अपनी अपनी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। 30 मई से शुरू होने वाले इस वर्ल्ड कप में कई टीमें जो भी दावेदार हैं क्रिकेट की, वो जो है तकरीबन 30 मई से जो है वो किताबी जंग के लिए अपनी जंग शुरू कर देंगी। लेकिन एक ख़ास बात जो इस टूर्नामेंट में होने वाली है वो ये कि तकरीबन सभी टीमों में उनके जो स्टार अनुभवी बल्लेबाज हैं या गेंदबाज या खिलाड़ी हैं वो जो है शामिल हैं, और उनमें से कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनका ये वर्ल्ड कप जो है वो आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है। जी हाँ, अगर हम बात करें टीम इंडिया की तो टीम इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी जैसे अनुभवी और उम्रदराज खिलाड़ी भी हैं जिनका तकरीबन जो है ये कहा जा रहा है और इस बात के संकेत भी हैं कि ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा। खुद महेंद्र सिंह धोनी भी बातों बातों में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का संकेत दे चुके हैं कि इंग्लैंड में जो ये वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है वो उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट की तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी शोएब मलिक जो उनके सबसे अनुभवी क्रिकेटर हैं उनको जो है अपनी वर्ल्ड कप टीम में जगह दी है। और शोएब मलिक पिछले 20 साल से तकरीबन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ऑलराउंड परफॉर्म करते आ रहे हैं, चाहे वो बल्ले से हो या गेंद से हो। उन्होंने भी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि वर्ल्ड कप के बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है वो संन्यास ले लेंगे। इसके अलावा हम और अगर टीमों की बात करें तो वेस्टइंडीज़ की बात करें, जिसका हाल ही में अभी थोड़ी जो है टीम का अनाउंसमेंट हुआ, उसमें क्रिस गेल की वापसी हुई और काफ़ी T20 के किंग माने जाते हैं क्रिस गेल। और गेल ने भी जिस बात के संकेत दिए थे पिछले दिनों और कई बार वो इस बात को कह चुके हैं कि इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। इसके अलावा अगर बात करें साउथ अफ्रीका की तो इमरान ताहिर, डेल स्टेन ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो तकरीबन इस वर्ल्ड कप के बाद अपने जो है क्रिकेट अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि ये स्टार्स खिलाड़ी जो है पिछले कई सालों से अपने परफॉर्मेंस से अपने खेल के दम पे जो है टीम को लगातार जिताते आए हैं और कई ऐसी यादगार परफॉर्मेंस की है जो आज भी फैंस के दिलों में है। तो निश्चित रूप से जब ये खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप के बाद नहीं दिखाई देंगे खेलते हुए तो निश्चित रूप से फैंस इसे इनको काफ़ी मिस करेंगे। और ऐसे खिलाड़ी ये जो स्टार्स प्लेयर हैं इनकी भी कोशिश होगी जो इनका ये आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है इसे वो अपने परफॉर्मेंस से यादगार बनाएं और टीम के लिए जो है वो जीत हासिल करें और अपने अपने देश को कोशिश करेंगे कि वो वर्ल्ड कप जिता सकें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय जरूर देना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा और हाँ, इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।